मंत्री जी का पंप तोड़ना चाहिए ना, मंत्री जी का पंप तोड़ते। उन्नी कम्मा के पास गए थे इनारवा के लोग, तो बोल रहा है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। अलाइनमेंट 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 अलाइनमेंट, क्या अलाइनमेंट? सारा अलाइनमेंट यही से चलता है। ये सीएस साहब को नहीं मालूम है, डीएम साहब को नहीं मालूम है, जब कुर्सेद विधायक के पंप के लिए अलाइनमेंट चेंज हो सकता है, तो इन गरीबों के लिए क्यों नहीं चेंज हो सकता है? हम पूछना चाहते हैं डीएम साहब से, हम पूछना चाहते हैं आगे प्रशासन से, यहाँ से सरकार से, कि उन गरीबों का जो घर टूटा हुआ है, वो अल्पसंख्यक का जो ईदगाह टूटा हुआ है, उसके लिए एलिमेंट क्यों नहीं चेंज किया गया? उनके लिए रहने का व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? जब 15 फीट ऑर्डर मिला था, जब 15 फीट ऑर्डर मिला था, तो वहाँ पे ज्यादा तोड़ने की क्या जरूरत थी? पूरी ईदगाह को ध्वस्त करने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग कमजोर थे, गरीब थे। क्रांतिकारी सलाम करते हैं माननीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी का, जिन्होंने इस लड़ाई में सबसे पहले अपना परचम आगे रखा, और उन्होंने खुद इनारवा में कहा कि 200 लोगों पे FIR हुआ है, तो 201 नंबर पे वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता का नाम होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि उनके पीछे मेरा नाम होना चाहिए। 202 नंबर पे मेरा नाम नौशाद आलम ग्राम लठियाई पोस्ट में रहा था ना, सिक्का लिखो, हम जेल भरो अभियान चलाएंगे, हम नहीं मानेंगे। जब गैर कानूनी तरीके से ईदगाह को तोड़ा गया है, तो हम उसको वापस इसी निकम्मी सरकार से बनवाएंगे। क्यों नहीं बनाएगी? जब तक नहीं बनाएगी, तब तक हम वापस नहीं होंगे। दोस्तों जिएंगे तो वतन के लिए, दोस्तों जिएंगे तो वतन के लिए, अगर मर गए तो कफन के लिए। टेंशन मत लेना मेरे भाइयों, ये हक की लड़ाई है, जीत इंशाल्लाह जरूर होगी। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। साथियों दोस्तों बड़े बुजुर्गों और नेतागण को मैं क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। सभी मैटर महीनों से चल रहा है, सभी ने आपको हर एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है। इनारवा मैटर पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक ही सवाल पूछने के लिए मैं यहाँ पे परमिशन लिया हूँ कि खुर्शेद मंत्री महोदय, जो जिनको हम लोगों ने वोट देकर के विधायक बनाया, विधायक से मंत्री बनाया, वो भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री थे, गन्ना भी डबल पद में क्या हुआ? अलाइनमेंट 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 अलाइनमेंट, क्या अलाइनमेंट? सारा अलाइनमेंट यही से चलता है। ये सीएस साहब को नहीं मालूम है, डीएम साहब को नहीं मालूम है, जब खुर्शेद विधायक के पंप के लिए अलाइनमेंट चेंज हो सकता है, तो इन गरीबों के लिए क्यों नहीं चेंज हो सकता है? हम पूछना चाहते हैं डीएम साहब से, हम पूछना चाहते हैं आगे प्रशासन से, यहाँ से सरकार से, कि उन गरीबों का जो घर टूटा हुआ है, वो अल्पसंख्यक का जो ईदगाह टूटा हुआ है, उसके लिए एलिमेंट क्यों नहीं चेंज किया गया? उनके लिए रहने का व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? जब 15 फीट ऑर्डर मिला था, जब 15 फीट ऑर्डर मिला था, तो वहाँ पे ज्यादा तोड़ने की क्या जरूरत थी? पूरी ईदगाह को ध्वस्त करने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग कमजोर थे, गरीब थे। मंत्री जी का पंप तोड़ना चाहिए ना, मंत्री जी का पंप तोड़ते। उन्नी कम्मा के पास गए थे इनारवा के लोग, तो बोल रहा है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। क्रांतिकारी सलाम करते हैं माननीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी का, जिन्होंने इस लड़ाई में सबसे पहले अपना परचम आगे रखा, और उन्होंने खुद इनारवा में कहा कि 200 लोगों पे FIR हुआ है, तो 201 नंबर पे वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता का नाम होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि उनके पीछे मेरा नाम होना चाहिए। 202 नंबर पे मेरा नाम नौशाद आलम ग्राम लठियाई पोस्ट में रहा था ना, सिक्का लिखो, हम जेल भरो अभियान चलाएंगे, हम नहीं मानेंगे। जब गैर कानूनी तरीके से ईदगाह को तोड़ा गया है, तो हम उसको वापस इसी निकम्मी सरकार से बनवाएंगे। क्यों नहीं बनाएगी? जब तक नहीं बनाएगी, तब तक हम वापस नहीं होंगे। दोस्तों जिएंगे तो वतन के लिए, दोस्तों जिएंगे तो वतन के लिए, अगर मर गए तो कफन के लिए। टेंशन मत लेना मेरे भाइयों, ये हक की लड़ाई है, जीत इंशाल्लाह जरूर होगी। इसी पे मैं आपको अपनी बात खत्म करता हूँ, और आप सभी को क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूँ।